दोस्तों बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है आज, और मौसम देखो फार्म के आसपास का पूरा एनवायरनमेंट। अभी फार्म पर आ चुका हूँ और भाई बारिश तो काफ़ी ज़्यादा हो रही है यहाँ पर, और हमारे फार्म के भाई पर्दे खुले रह गए थे, तो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ आगे चल के। भाई साहब वैसे तो मुर्गों में ज़्यादा कुछ पानी गया नहीं होगा, लेकिन इस साइड से ज़्यादा बारिश पड़ी है और ये पर्दे नीचे थे तो थोड़ा बहुत तो गीला हो गया है मुझे दिख रहा है यहाँ से, लेकिन कोई बात नहीं, देसी मुर्गे हैं भाई, ये एडजस्ट कर लेते हैं, दूसरी साइड चले गए होंगे क्योंकि इनको काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया हुआ होता है। और आपके यहाँ पर कैसा मौसम है ये मुझे कमेंट करके बताइए। हमारे यहाँ तो अब बारिश काफ़ी तेज़ हुई है और पानी पानी हो गया है साइड में भी। मैं आपको दूसरी साइड चल के भी दिखाता हूँ फार्म के, इस साइड तो भाई काफ़ी कैसा नज़ारा है आप देख सकते हो अपने आप यहाँ का। और मैंने अभी छाता लगा रखा है, हालांकि फिर भी मैं भीग चुका हूँ, अब घर जाऊँगा थोड़ी देर में बस। और मुर्गों की बात करें तो देसी मुर्गे हैं अभी फार्म में, धीरे धीरे करके हम इस तरह से देसी मुर्गे के बैचेस इसमें पालेंगे। और अभी मैं आ गया हूँ फार्म की छत पर, और यहाँ पर मैं केवल पानी का टैंक देखने आया था और वो मैंने देख लिया है, पानी बिल्कुल साफ है। और ऊपर से नज़ारा देख लीजिए आप हमारे फार्म का देखो, और यहाँ पर जो है हमारी ये नीचे भूसी पड़ी है आपको जो दिखाई दे रही है, ये बारिश में भीग चुकी है लेकिन नीचे से सूखी हुई है, तो थोड़ी थोड़ी हम इस्तेमाल कर लेंगे, बाकी इसको भरवा करके हम रूम में स्टोर करा देंगे। और उससे आगे जो है वो लीटर पड़ा है, अभी हमारे खेत खाली नहीं थे तो उसमें हम अभी रुक करके डलवाएंगे, और इन खेतों में हम डलवाते नहीं हैं, ये फार्म के पास में इसमें पशुओं के लिए चारा बोया जाएगा। और ये नीचे नेपियर ग्रास है, अभी मैं नीचे जाऊंगा इस सीढ़ी के सहारे, तो इसका भी अलग ही एक्सपीरियंस है। अब तो खैर मौसम है अभी ख़राब, बारिश होगी रात को, इंटरनेट पर दिखा रखा है। तो आपको कैसा लग रहा है पूरा एनवायरनमेंट? और भाई पेड़ तो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं, अभी देखो कितने ऊँचे हो चुके हैं, शेड से भी ऊपर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो है दो पेड़ और लगा दिए हमने, ये अगले साल तक बड़े हो जाएंगे, तो इससे यहाँ पर और अच्छी छांव रहेगी। हमने शुरू में नहीं लगाए थे क्योंकि गाड़ियाँ आती थी जब, तो फार्म के भाई कई दरवाजे रहते हैं चार पांच, तो आगे तक गाड़ी नहीं आती, इस वजह से हमने ये नहीं लगाए थे। अब क्या है, दो दरवाजे हमारे उधर ही हैं तीन, तो उनके आगे तक गाड़ी आती रहेगी, तो यहाँ पर हमने इसी वजह से ये पेड़ लगा दिए। पेड़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा रहता है दोस्तों, आप भी लगवा लीजिए जब भी फार्म शुरू करो, शुरू में ही लगा दो पेड़। ये भकैन के पेड़ हैं, मैंने वीडियो बनाई थी इसके बारे में, अब अगर आप चाहोगे तो एक और बना दूंगा। तो चलते हैं पहले नीचे, थोड़ा अजीब लग रहा है ऊपर से नीचे आते हुए, लेकिन बढ़िया है। सीढ़ी को लेकर के चलेंगे,